हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। इस बार आग ने एक साथ तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और करोड़ों रुपए का सामान आग की भेंट चढ़ गया। वहीं दूसरी ओर आग लगने के कई घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड आग पर काबू नहीं पा सकी। हालांकि आग बुझाने के लिए क्रेन की मदद भी ली गई ताकि आग पर जल्द से काबू पाया जा सके, लेकिन आग फैलती चली गई और इस दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार यमुनानगर के जगाधरी मटका चौक से गुप्ता मिल स्टोर पर सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही इस आग ने एक साथ तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दुकानों में तेल और रबड़ का काम था, जिसके चलते ये आग फैलती चली गई। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग तीखी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बताया जा रहा है कि दुकान के शटर बंद थे और ऊपर से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थी। काफी देर बीत जाने के बाद आग पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस दौरान आग की घटना को लेकर दुकान संचालकों का कहना है कि शायद ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, लेकिन इस आग से उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। इस आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर इस आग को देखकर आसपास के क्षेत्र में भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। आग के कारण आसपास की दुकानों की दीवारों में दरारें तक आ गई। इस मौके पर मित्तल मार्केट प्रधान आशीष ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ये अचानक आग लगी और हम सबको जो है 8:30-9 बजे के लगभग पता चला। लगभग अभी तक 6 गाड़ियां आ चुकी हैं और 2 गाड़ियां और पीछे आ रही हैं, और जो नुकसान है वो तो वैसे किशोरी लाल जी को पता होगा, लेकिन बाजार के मुताबिक अंदाजा जो है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के लगभग नुकसान होगा। बैरिंग का काम है वो तो जो भी है किशोरी लाल जी बता सकते हैं, वैसे इनका बैरिंग का प्रमुख काम है। अब बेल्टे देखिए, जो मिल्स है, जो भी कारखाने में काम इस्तेमाल होता है वो सब है। अब वो जिनका नुकसान हुआ है वही सही ढंग से बता सकते हैं इसमें क्या क्या होगा। हमारे पास हमारी ERV डायल 112 से सूचना आई थी कि भी छोटी लाइन के नज़दीक लगते गुप्ता ऑयल कंपनी है जी, इसमें ऊपर आग लग गई है जी। इनके पास ग्रीस वगैरह का सामान पड़ा है, चमड़े के बेल्टे वगैरह हैं, तेल वगैरह है। तो फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंच गई थी जी, 3-3 गाड़ियां आई हुई आग बुझाने में लगे हुए हैं जी। काफ़ी समय हो गया लेकिन आग अभी काबू नहीं आई है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू पा लें जी। कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। लगभग ये 2 घंटे हो चुके हैं, 8:30 बजे के करीब सूचना आई थी और 3 गाड़ियां लगी हुई हैं आग बुझाने के लिए। 2 बार तो पानी भर के भी ले आई हैं, लगे हुए हैं सर। जल्दी कोशिश कर लेंगे आग पे काबू पाने की। इसकी तरफ से जी हमारी पूरी टीम आई हुई है यहाँ, जैसे भीड़ इकट्ठी है तो कोई ट्रैफिक में समस्या ना आए, कोई वैसे अनहोनी ना हो जाए आग की वजह से, किसी के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, हमारी टीम लगे हुए हैं जी सहायता में फायर ब्रिगेड के साथ।